प्यारे बच्चों, क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश कोर वीकली टेस्ट के प्रश्नों का आंसर आप लोग जरूर मिला सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर ले और इंग्लिश कोर को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ए रोड साइड स्टैंड किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है मानव त्रासदियाँ भय और उनके समाधान से, बी है मनुष्य से, सी है प्रकृति से और डी है भवन से। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मानव त्रासदियाँ भय और उनके समाधान। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सड़क किनारे स्टैंड पर क्या बेचा जा रहा है? ए है फर्नीचर, बी है आपका सौंदर्य प्रसाधन, सी है आपका डीजल और डी है आपका जंगली जामुन, गोल्डन स्केस और कुछ अन्य परिचित उत्पाद। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सरकार ग्रामीणों को स्थानांतरित करने के लिए क्या वादा कर रही थी? ए ऑप्शन में कहता है उन्हें सभी विलासिता देने के लिए, बी है उन्हें फिल्म दिखाना, सी है उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा और डी ये सभी। तो आपका यहाँ सी आंसर सही है, उनकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, इसके चेहरे पर किसने लिखा है? ए पर हो जाएगा सुसाल हिल, बी है आपका विलियम सिडने, सी है सलमान रुशीद, डी है आपका चेतन भगत। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही है। पांचवा है, श्री में से खुद को व्यस्त कैसे रखते हैं? तो ए ऑप्शन है किताबें पढ़ने से, बी है आपका लोगों के साथ चैट करके, सी है अपने बगीचे के पके हुए केकड़े के सेब को नीचे घींच कर और डी हो जाएगा ये सभी। तो आपका डी आंसर सही है। छठा है, श्री मेमरे ने डेरी की मदद कैसे की? ए हो जाएगा उसे सेब देकर, बी है उससे बात करके, सी है अपनी माँ की मदद करके और डी है उसे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देकर। तो आपका डी ऑप्शन सही है। सातवां है आपका, जेमिनी स्टूडियो के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ हो जाएगा सुब्बू, बी है एसएस वासन, सी है कल्कि और डी है कोई नहीं। तो आपका बी ऑप्शन सही है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, ऑफिस बॉस कहाँ से था? डैश 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 मंत्रालय, मैंने कौन विभाग से था? तो संगीत, बी होगा मेकअप, सी होगा कहानी और डी होगा कोई नहीं। तो आपका बी हो जाएगा मेकअप। नौवां क्वेश्चन है, जिस अंग्रेजी कवि ने एक बार जेमिनी स्टूडियो का दौरा किया था वह खाली स्थान था, क्या था? तो वर्थ, बी हो जाएगा सैली, सी है किट्स और डी है स्टीफन स्पेंडर। तो आपका डी ऑप्शन सही है। दसवां क्वेश्चन है, अनौपचारिक पत्र में किस स्थान पर प्रेम के साथ का प्रयोग किया जा सकता है? ए हो जाएगा क्लोजिंग मतलब समापन, बी हो जाएगा ओपनिंग, सी हो जाएगा हेडिंग और डी हो जाएगा बॉडी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्लोजिंग। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नगर वासियों से कवि की क्या आशा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कवि की उम्मीद शहर के निवासियों से कुछ वित्तीय मदद पाने की है। 12 नंबर क्वेश्चन है, श्री मेमरे ने डेरी की मदद क्यों की? तो इसका आंसर है, श्री लैब ने डेरी की मदद की क्योंकि वह चाहता था कि डेरी जीवन के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल दे। 13 नंबर क्वेश्चन है,
अपने बगीचे में आने वाले छोटे लड़के के प्रति श्री मेमड़े का रवैया क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, छोटे लड़के के प्रति श्री मेमड़े का रवैया काफ़ी सौम्य, सुरक्षात्मक और मिलनसार है। परिवार के एक बड़े की तरह छोटे सदस्यों को सलाह और निर्देश देते हुए श्री लैम युवा लड़के को सलाह देते हैं कि वह सेबों पर ध्यान दे ताकि वह यात्रा ना करे। वह लड़के को डर न लगने की सलाह भी देता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कारें सड़क के किनारे क्यों रुकती है? आंसर होगा, कार को रिवर्स करने और घुमाने के लिए कारें सड़क के किनारे रुक जाती है। कभी कभी कारें केवल निर्देश या ईंधन मांगने के लिए रुक जाएगी। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व पर एक पोस्टर बनाए। तो आप ये पोस्टर को देख सकते हैं बढ़िया से, यही पोस्टर इस तरह बना दे, नो पोल्यूशन और इधर ये यही सब लिख के। 16 नंबर क्वेश्चन है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में जिला कलेक्टर को लगभग 50 शब्दों में एक औपचारिक निमंत्रण लिखे और उनसे आपके स्कूल के वार्षिक खेलों के अवसर की शोभा बढ़ाने का अनुरोध करें। तो इसका आंसर है 4 दिसंबर 2023 जिला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मतलब जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन भवन, रांची, झारखंड। विषय है आपका हमारे स्कूल के वार्षिक खेलों के लिए निमंत्रण। सर, पूरे सम्मान के साथ मुझे आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही कि हमारे स्कूल 14 दिसंबर 2023 को सुबह लगभग 11 बजे हमारे स्कूल के मैदान में अपने वार्षिक खेलों का आयोजन करने जा रहा है। यदि आप इस अवसर पर हमारे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हो सकते हैं तो हम इसे एक महान एहसास मानेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमारे विनम्र अनुरोध को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। और फिर इधर अपना लिख देना है, यहाँ पर ईमानदारी से आपका ABC प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, ये थे आपके वीकली टेस्ट में आए हुए इंग्लिश स्कोर क्लास 12th के प्रश्नों के उत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। बाय बाय।